जी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 क्या पूछ रही है लोग? डिजीज कॉज्ड बाय एप्स्टीन-बार वायरस आर। तो डिजीज कॉज्ड बाय एप्स्टीन-बार वायरस आर। ऑप्शन वन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ऑप्शन टू, बर्किट लिम्फोमा। ऑप्शन थ्री, कापोसी सार्कोमा। ऑप्शन फोर, नेजोफेरिंजियल कैंसर। ये ऑप्शन फाइव, हर्पेनजाइना। फिर से देखिए, डिजीज कॉज बाय एप्स्टीन-बार वायरस आर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्किट लिम्फोमा, कापोसी सार्कोमा, नेजोफेरिंजियल कैंसर या हर्पेनजाइना। एंड द राइट आंसर्स आर ए बी एंड डी। इट इज एप्स्टीन-बार वायरस कॉजेज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्किट लिम्फोमा एंड नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। क्वेश्चन 162, ट्रू अबाउट एमीबिक कोलाइटिस। ऑप्शन वन, कॉज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन टू, सिस्ट कॉन्टेन एट न्यूक्लियाई। ऑप्शन थ्री, फ्लास्क शेप्ड अल्सर। ऑप्शन फोर, सीकम मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। ऑप्शन फाइव, प्री मैलिग्नेंट। फिर से देखिए, ट्रू अबाउट एमीबिक कोलाइटिस, इट इज कॉज बाई एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सिस्ट कॉन्टेन एट न्यूक्लियाई, फ्लास्क शेप अल्सर प्रेजेंट, सीकम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, या इट इज प्री मैलिग्नेंट। एंड द राइट आंसर इज ए सी एंड डी। इट इज एमीबिक कोलाइटिस में इट इज कॉज बाई एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट हैज फ्लास्क शेप्ड अल्सर एंड सीकम इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163, रिगार्डिंग ब्रुसेलोसिस, ऑल ऑफ दिस आर ट्रू एक्सेप्ट। तो अबाउट ब्रुसेलोसिस ऑल ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शन वन, मैन टू मैन ट्रांसमिशन। ऑप्शन टू, जूनोसिस। ऑप्शन थ्री, ब्लड कल्चर इज यूज्ड इन डायग्नोसिस बाय ब्लड कल्चर। ऑप्शन फोर, ब्रुसेलोसिस मिलिटेंसिस इज मोस्ट कॉमन कॉज। एंड ऑप्शन फाइव, ट्रांसमिटेड बाय एनिमल प्रोडक्ट। फिर से देखिए, ब्रुसेलोसिस के बारे में ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, मैन टू मैन ट्रांसमिशन, जूनोसिस, डायग्नोस बाय ब्लड कल्चर, मोस्ट कॉमन कॉज इज ब्रुसेला मिलिटेंसिस या ट्रांसमिटेड बाय एनिमल प्रोडक्ट। एंड द राइट आंसर इज ए, मैन टू मैन ट्रांसमिशन। सिर्फ मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होती है इसमें, एक्सेप्ट पूछे ना, मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं होती है, इट इज़ ए जूनोसिस, डायग्नोस बाय ब्लड कल्चर, मोस्ट कॉमन कॉज इज ब्रुसेला मिलिटेंसिस एंड ट्रांसमिटेड बाय एनिमल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। क्वेश्चन 164, चूज द करेक्ट मैच। ऑप्शन वन, मम्स के लिए आर ए 27/3 स्ट्रेन, इम्यूनाइजेशन फॉर मम्स इज बाई आर ए
27/3 strain. Option 2, immunization for rubella. For rubella is Geril-Lin strain. Geril-Lin strain. Option 3, Option 3, immunization for measles. For measles is Edmonds-Zagreb strain. Edmonds-Zagreb strain. The option 4, BCG. BCG is made by Danish 1331 strain. By Danish 1331 strain. Basically, correct mess kon kon si hai. Mums ke liye RA27/3 strain is tamal kate, rubella ke liye Geril-Lin strain is tamal kate, measles ke liye Edmonds-Zagreb strain is kate, ya BCG ke liye Danish 1331 strain is tamal kate. And the right answer is C and D. That is measles ke liye Edmonds-Zagreb strain and BCG ke liye Danish 1331 strain is tamal kate. Question number 165. Choose HIV infection is associated with. HIV associated with. Option 1, glandular fever like illness. Glandular fever like illness. Glandular fever like illness. Option 2, generalized lymphadenopathy. Option 3, gonococcal septicemia. Option 4, sinus disease. Yeah, option 5, presenile dementia. फिर से देखिए, HIV is associated with glandular fever like illness, generalized lymphadenopathy, gonococcal septicemia, sinus disease, or presenile dementia. And the right answer is A, B, D, and E. So HIV is associated with glandular fever like illness, generalized lymphadenopathy, sinus disease, and presenile dementia. Question number 166 देखेंगे. Question 166. Antigen binding site on antibody is. Antigen binding site on antibody is. Antigen binding site on antibody is. Option 1, Hinge region. Option 2, Constant region. Option 3, Variable region. Option 4, Hypervariable region. Option 5, Idiotype region. फिर से देखिए, antigen binding site on antibodies. Hinge region, constant region, variable region, hypervariable region, idiotype region. And the right answer is hypervariable region and idiotype region. Question 167. Which is true regarding Mycobacterium tuberculosis is. तो true about Mycobacterium TB क्या होती है? Option 1, produce visible colonies in 1 week time on LJ medium. बोल रहे कि visible colony in 1 week in LJ medium. Option 2, decolorized by 20% sulfuric acid. Decolorized by 20% sulfuric acid. Option 3, facultative aerobe. Facultative
एरोब फैकल्टेटिव एरोब, एक मिनट कैमरा सेट कर ले दीजिए, आप फैकल्टेटिव एरोब या ऑप्शन फोर नियासिन पॉजिटिव, इट इज़ नियासिन पॉजिटिव। फिर से देखिए, ट्रू अबाउट माइकोबैक्टरम टीबी, विजिबल कॉलोनी इन वन वीक इन एलजे मीडियम, डीकलराइज बाई 20% सल्फ्यूरिक एसिड, फैकल्टेटिव एरोब या नियासिन पॉजिटिव, एंड द राइट आंसर इज डी, नियासिन पॉजिटिव, नियासिन पॉजिटिव। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है ना, स्टेरिलाइजिंग एजेंट इंक्लूड, स्टेरिलाइजिंग एजेंट इंक्लूड, ऑप्शन वन ड्राई हीट, ऑप्शन टू इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन थ्री ईथर, ऑप्शन फोर एल्कोहल, या ऑप्शन फाइव क्लोरहेक्सीडीन। फिर स्टेरिलाइजिंग एजेंट इंक्लूड ड्राई हीट, इथिलीन ऑक्साइड, ईथर, एल्कोहल या क्लोरहेक्सीडीन, एंड द राइट आंसर इज ए एंड बी, दैट इज ड्राई हीट एंड इथिलीन ऑक्साइड। स्टेरिलाइजिंग एजेंट इंक्लूड ड्राई हीट एंड इथिलीन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 169, वुड्स लाइट कैन बी यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ, वुड्स लाइट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन वन टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन टू फ्रेकल्स, ऑप्शन थ्री विटिलिगो, ऑप्शन फोर ट्यूबरस क्लेरोसिस। जैसे वुड्स लाइट इज यूज फॉर टीनिया कैपिटिस, फ्रेकल्स, विटिलिगो, ट्यूबरस क्लेरोसिस, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव, टीनिया कैपिटिस, फ्रेकल्स, विटिलिगो एंड ट्यूबरस क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, WHO ORS contain, ऑप्शन वन सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम, ऑप्शन टू पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ऑप्शन थ्री ग्लूकोज 20 ग्राम, ऑप्शन फोर सुक्रोज 10 ग्राम, या ऑप्शन फाइव पोटेशियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम। फिर से देखिए, WHO ORS contain, सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम, सुक्रोज 10 ग्राम, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, एंड द राइट आंसर इज बी एंड सी, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम एंड ग्लूकोज 20 ग्राम, दिस इज कंटेन WHO ORS। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, 171, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय लाउस, ऑप्शन वन एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन टू एंडेमिक टाइफस, ऑप्शन थ्री ट्रेंच फीवर, ऑप्शन फोर रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, ऑप्शन फाइव स्क्रब टाइफस। फिर से देखिए, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय लाउसेस, एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस, ट्रेंच फीवर, रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, स्क्रब टाइफस, एंड द राइट आंसर इज ए एंड सी, दैट इज एपिडेमिक टाइफस एंड ट्रेंच फीवर, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय लाउसेस, एपिडेमिक टाइफस एंड ट्रेंच फीवर। क्वेश्चन नंबर 172, Sub acute sclerosing pan encephalitis is associated with option one mumps, option two measles, option three rubella,
ऑप्शन थ्री रूबेला, ऑप्शन फोर टाइफाइड, ऑप्शन फोर टाइफाइड, या ऑप्शन फाइव डिप्थेरिया। ऑप्शन फाइव डिप्थेरिया। फिर देखिए एस एस पी इज एसोसिएटेड विद मम्स, मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड, डिप्थेरिया, एंड द राइट आंसर इज मीजल्स। द राइट आंसर इज मीजल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।